Hello everyone, myself Rekha Kadyan from Government Model Sanskriti Primary School Choma, Gurugram. Today I am here with the telecast of Haryana Edused, broadcasting by Haryana School Education Department. Students, tell the name of the things that you see in the picture. जो चित्रों में आपको नजर आ रहा है क्या आप उनके नाम बता सकते हो? मैम लैपटॉप, मैम कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीफोन. वेरी गुड. कैन यू टेल व्हाट इज अ कॉमन अमंग देम? क्या आप बता सकते हो इन सब में सांझी बात क्या है जो सभी में है? मैम ये सारी चीजें बिजली से चलती हैं. वेरी गुड. दे ऑल आर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस. How are they useful to us? ये हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं? मैम, फोन से हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं और लैपटॉप और कंप्यूटर पर हम गेम खेल सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं. Very good. They are useful in communication and keep our important records. Do you have a computer at home? क्या आपके पास घर पर कंप्यूटर है? हाँ मैम, मेरे पास है. Yes, I have a computer. Have you ever used it? क्या आपने कभी इसको चलाया है? हाँ मैम, हमने इसको चलाया है. How do you feel them? मैम, मुझे बहुत अच्छा लगता है. Very good. Dear students, today we will read English chapter number 4, Our Friend Computer. I hope you are listening very carefully. डियर स्टूडेंट्स, अब मैं पाठ की रीडिंग करूंगी और साथ साथ उसका हिंदी में अनुवाद भी आपको बताऊंगी. आई होप यू आर लिसन वेरी केयरफुली. हेलो फ्रेंड्स, डू यू नो हु आई एम? आई एम योर बेस्ट फ्रेंड. आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. आई कैन डू मैनी यूजफुल थिंग फॉर यू. आई परफॉर्म मैनी फंक्शंस. आई कैन स्टोर ऑल योर इंफॉर्मेशन. I can keep your accounts. I can solve any mathematics problems very quickly. Hello मित्रो, क्या आप जानते हो मैं कौन हूँ? मैं आपका प्रिय मित्र हूँ. मैं एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन हूँ. मैं आपके लिए कई लाभकारी काम कर सकता हूँ. मैं बहुत से काम कर सकता हूँ. मैं आपको अपनी सूचनाओं का संग्रह कर सकता हूँ. मैं आपके बही खाते का हिसाब किताब रख सकता हूँ. मैं गणित से संबंधित किसी भी समस्या को जल्दी से हल कर सकता हूँ. आई कैन ड्रॉ ब्यूटिफुल पिक्चर्स एंड डिज़ाइन बिल्डिंग्स. आई कैन प्रिंट लेटर्स, एप्लीकेशन, नोटिस रिपोर्ट, डायलॉग्स एक्सेट्रा एंड आल्सो मेक अट्रैक्टिव इन्विटेशन कार्ड फॉर मैनी ओकेशंस. यू कैन प्ले गेम ऑन मी. यू कैन टेक टेस्ट. Check your answer all by yourself. मैं सुंदर चित्र और इमारतों के नक्शे तैयार कर सकता हूँ. मैं पत्र, आवेदन, नोटिस रिपोर्ट, संवाद इत्यादि छाप सकता हूँ और बहुत से अवसरों के लिए तो आकर्षण निमंत्रण पत्र भी तैयार कर सकता हूँ. आप मुझ पर गेम भी खेल सकते हैं और आप अपने आप ही परीक्षा दे सकते हो और स्वयं ही अपने उत्तरों को भी चेक कर सकते हो. डू यू नो व्हाट आई एम मेड अप ऑफ? द मोनिटर, द कीबोर्ड, द माउस, द सीपीयू एंड द प्रिंटर आर माई मेन पार्ट्स. आई गेट कमांड फ्रॉम द माउस एंड द कीबोर्ड. द सीपीयू इज माई ब्रेन. द सॉफ्टवेयर इज माई सोल. विदाउट इट I am completely helpless. I show output on the monitor. You can print the output using the printer. You can hear sound output through the speaker. In fact, even visually impaired people can use me very effectively and become efficient reader. क्या आप जानते हो मैं किस चीज़ से बना होता हूँ? मोनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और प्रिंटर मेरे मुख्य भाग हैं. मैं माउस और कीबोर्ड को से आदेश करता हूँ. सीपीयू मेरा दिमाग है. सॉफ्टवेयर मेरी आत्मा है. इसके बिना मैं पूरी तरह से
एस आई हूँ। मैं मॉनिटर पर चीज़ों को प्रदर्शित करता हूँ। आप प्रिंटर का प्रयोग करके प्रदर्शित की गई प्रिंट चीज़ों का प्रिंट ले सकते हैं। आप स्पीकर के द्वारा आवाज़ को भी सुन सकते हो। वास्तव में यहाँ तक कि वो लोग जिन्हें दिखाई नहीं देता वो भी मेरी बड़ी अच्छे से सहायता लेकर मेरा उपयोग कर सकते हैं और बड़े कुशल पाठक बन सकते हैं। आई एम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज दिस डे। यू कैन सी मी इन शॉप्स, ऑफिसेस, बैंक, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेज, पोस्ट ऑफिसेस, रेलवे स्टेशंस, बस स्टैंड्स, सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एंड मैनी अदर इम्पोर्टेंट प्लेसेस। वेरी सून यू विल सी मी इन एवरी हाउसेस। मैं आजकल सभी क्षेत्रों की गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हूँ। आप मुझे दुकानों, कार्यालयों, बैंकों, होटलों, अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों, डाकघरों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड, समुद्री पोतास्त्रों, हवाई अड्डों और अन्य बहुत से महत्वपूर्ण स्थानों पर देख सकते हो। बहुत शीघ्र ही आप मुझे हर घर में अवश्य देखेंगे। इट्स माई नेम। आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कैन यू गेस हु आई एम फ्रेंड्स? आई एम नन अदर देन योर कंप्यूटर। मेरा नाम क्या है? मैं इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हूँ। क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि मैं कौन हूँ मित्रों? मैं आपके कंप्यूटर के अतिरिक्त और कोई नहीं हूँ। यस, आई एम योर फ्रेंड कंप्यूटर। मैं आपका दोस्त कंप्यूटर हूँ। अरे बच्चों, आप सभी ने पाठ को ध्यानपूर्वक सुना और अच्छे से समझा। अब बच्चों हम चैप्टर के अंदर आए कुछ नए वर्ड्स के मीनिंग को भी जानेंगे। परफॉर्म, कार्य करना, फंक्शंस, काम, स्टोर, भंडारित करना, डायलॉग्स, बातचीत, कमांड्स, निर्देश, सोल, आत्मा, आउटपुट, उत्पादन, विजुअली इम्पेयर्ड, दृष्टिबाधित, एफिशिएंट, कुशल, एक्टिविटीज, गतिविधियाँ, सी पोर्ट्स, बंदरगाह, डिवाइस, उपकरण, गैस, अनुमान लगाना। डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर डूइंग सम न्यू वर्ड्स वी आर डूइंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स ब्रेन। कंप्यूटर के किस भाग को इसका दिमाग कहा जाता है? एंड करेक्ट आंसर इज CPU. CPU इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर टू, विच लाइन्स इन द लेसन शो द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन अवर लाइफ। पाठ में कौन सी पंक्ति हमारे जीवन में कंप्यूटर के महत्व को दर्शाती है? और इसका करेक्ट आंसर है आई कैन स्टोर ऑल योर इन्फॉर्मेशन। मैं आपकी सभी सूचनाओं का भंडारण कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सोल ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की आत्मा क्या है? एन आंसर इज द सॉफ्टवेयर इज द सोल ऑफ द कंप्यूटर, बिकॉज विदाउट इट द कंप्यूटर इज हेल्पलेस। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की आत्मा है क्योंकि इसके बिना कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर का क्या कार्य होता है? वी कैन टेक आउट द प्रिंट्स ऑफ अ कंप्यूटर आउटपुट विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर। हम प्रिंटर की मदद से कंप्यूटर द्वारा दिखाए गए प्रदर्शन के प्रिंट ले सकते हैं। हाउ इज कंप्यूटर योर फ्रेंड। कंप्यूटर आपका मित्र कैसे है? एंड द आंसर इज कंप्यूटर इज अवर फ्रेंड, बिकॉज इट हेल्प अस इन एवरी फील्ड ऑफ अवर लाइफ। कंप्यूटर हमारा मित्र है क्योंकि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में ही हमारी सहायता करता है। फ्रेंड्स,
following statements. Write T in the box if the statement is true and F if it is false. अगर आपको लगता है कि statement सही है तो आप लिखेंगे T, यानी कि true. अगर आपको लगता है कि ये statement सही नहीं है यानी कि गलत है तो आप लिखेंगे F, it is false. First, computer cannot draw beautiful pictures and design buildings. It is false. Computer can make all kind of calculation. Yes, it is true. Keyboard is the brain of the computer. No, it is false. CPU is the brain of the computer. Next, even blind people can use the computer very effectively. Yes, it is true. Printer produces printed copies of the output. Yes, it is true. बच्चों, comprehension के बाद अब हम अपनी vocabulary बढ़ाएंगे. वो कैसे? हमें यहाँ पर bold letter में एक word दिया गया है. आपको पता है हमारे word कैसे बना है? Letter से. अब इस वर्ड में जो लेटर्स हैं, हमें उन लेटर्स को आगे पीछे करके एक दूसरे से जोड़कर हमें उसी वर्ड में से, उन्हीं लेटरों से हमें कुछ अन्य वर्ड बनाने हैं. तो चलो हम देखते हैं कि कौन कितने नए वर्ड्स बनाता है जिससे हमारी वोकैबुलरी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी. फर्स्ट वर्ड इज माउस, M O U S E, माउस. माउस से चलो बनाते हैं शब्द. S O M E, सम. S U M, सम. U S E, यूज. U S, अस. S O, सो. M E, मी. Next word is monitor, M O N I T O R, monitor. Monitor से बनने वाले हमारे कुछ नए शब्द, M O T O R, motor. M double O N, moon. R double O M, room. R double O T, root. T-I-N, tin. T-O-N, tone. O-N, own. T-O, two. I-T, it. O-R, or. I-N-T-O, into. M-O-T-I-O-N, motion. Next word is keyboard, K-E-Y. B O A R D, keyboard. Keyboard से बनने वाले हमारे सब, K E Y, key. B O A R D, board. R O A D, road. B E D, bed. B Y E, by. B O Y, boy. R E D, red. O R, or. D O, do. B Y, by. D R Y, dry. R O D, road. B E, B. Next word is computer, C O M P U T E R, computer. C O U R T, court. M E T R O, metro. C O M E, come. C U T E, cute. M O R E, more. M U T E, mute. T O U R, tour. T R U E, true. C O P, cop. O U T, out. T O P, top. M E, me. O R O. U P, up. T O, do. Next word is printer, P R I N T E R, printer. Printer से बनने वाले new words
PRINT print, INTER enter, RENT rent, PENT pent, TRIP trip, PEN pen, PIT pit, TEN pen, TIN tin, PIN pin, PET pet, PEN pen, IN in, IT hit. Dear students, चैप्टर की रीडिंग से हमें पता चल गया है कि कंप्यूटर क्या काम कर सकता है या कंप्यूटर क्या काम नहीं कर सकता। अगर कंप्यूटर कर सकता है तो हम कहेंगे कंप्यूटर कैन, अगर कंप्यूटर नहीं कर सकता तो हम बोलेंगे कंप्यूटर कैन नॉट। जैसा हमारे यहाँ पर दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, फर्स्ट है कंप्यूटर कैन ड्रॉ ब्यूटीफुल पिक्चर्स एंड डिजाइन बिल्डिंग्स, सेकेंड सेंटेंस है कंप्यूटर कैन नॉट थिंक बट इट ऑबेज योर कमांड्स। यहाँ पर बच्चों कैन और कैन नॉट एक्सप्रेस करते हैं एबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर। इसी प्रकार हमारे पास एक टेबल दी गई है जहाँ हमें कैन एंड कैन नॉट का यूज़ करना है। तो चलो बच्चों अब हम अपने इन सेंटेंस को करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है कंप्यूटर डैश स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन। क्या कंप्यूटर स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को, तो हम क्या करेंगे कैन, कंप्यूटर कैन स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन। सेकंड सेंटेंस है सी इज वीक इन मैथमेटिक्स, सी डैश सोल्व दिस प्रॉब्लम। तो देखो वह गणित में कमजोर है, क्या वो फिर मैथ के सॉल्व कर सकती है क्वेश्चन, नो। तो यहाँ करेक्ट आंसर है सी कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट सेंटेंस इज कंप्यूटर डैश वॉक एंड टॉक जस्ट लाइक रोबोट। क्या कंप्यूटर रोबोट की तरह चल सकता है और बातें कर सकता है, नहीं ना। तो राइट आंसर इज कंप्यूटर कैन नॉट वॉक एंड टॉक जस्ट लाइक रोबोट। हमारा लास्ट सेंटेंस है रहीम डैश स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। रहीम कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। तो इस प्रकार बेटा हम अपने सेंटेंसेस में कैन एंड कैन नॉट का यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स चलो हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटीज़ में कुछ नया सीखते हैं। हमें यहाँ कुछ वर्ड दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट वर्ड है आई, आई का मतलब क्या होता है मैं। अरे नेक्स्ट वर्ड भी क्या है आई, लेकिन इसकी स्पेलिंग क्या है ई वाई ई आई। इस आई का मतलब क्या होता है आग, एक आई दिया गया है उसका मतलब मैं, दूसरा साउंड क्या है आई ई वाई ई उसका अर्थ है आप। चलो अपने नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं एस ओ एन सन, एस यू एन सन दोनों ही सन है, पर एस ओ एन का मतलब सन होता है बेटा पुत्र, एस यू एन सन है हमारा सूर्य सूरज। आगे बढ़ते हैं एन ओ नो इसका मतलब नहीं, के एन ओ डब्लू नो बिकॉज यहाँ के साइलेंट है, एक नो का अर्थ है नहीं और दूसरे नो का अर्थ है जानना। देखो बच्चों हमें यहाँ जो वर्ड दिए गए हैं सबकी साउंड तो सेम है लेकिन सबकी स्पेलिंग और सबकी मीनिंग अलग अलग है। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं होमोफोन्स। कौन से वर्ड्स होमोफोन्स को हम बोलते हैं, वो वर्ड होमोफोन्स द वर्ड दैट हैव सेम साउंड बट
डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट स्पेलिंग। तो कौन से वर्ड है हमारे होमोफोन्स वर्ड्स हैं, जो अब हम कुछ और होमोफोन्स वर्ड्स को जानते हैं। जैसे हमारे पास वर्ड दिया गया है राइट, WRITE राइट, जिसका अर्थ होता है लिखना। RIGHT राइट, जिसका अर्थ होता है सही ठीक। अगले वर्ड पर बढ़ते हैं पीस, PIECE पीस, जिसका अर्थ होता है टुकड़ा। PEACE जिसका अर्थ होता है शांति। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं वीक, WEEK वीक, यानी कि सप्ताह। WEEK वीक कमजोर। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि हमारे यहाँ जो वर्ड दिए गए हैं कुछ, इनमें से सबकी स्पेलिंग अलग है, सबके मीनिंग अलग है, पर साउंड क्या थी, सेम थी। तो ऐसे शब्द जिनकी साउंड सेम होती है, स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट होते हैं, उनको हम होमोफोन्स वर्ड्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा, उसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आंसर, लिसनिंग स्पीकिंग एक्टिविटीज़, ग्रामर में भी हमने बहुत कुछ नया सीखा। तो चलो बच्चों, अब हम चेक करते हैं आपने कितना सीखा है। This is called the brain of the computer. Ma'am, CPU. Shabash, very good. CPU is called the brain of a computer. If we want to take out the print of a computer output, we need... Ma'am, printer. Shabash, if we want to take out the print of a computer output, we need printer. And last one is... Computer show its output on screen. Yes, very good. We call it monitor. शाबाश। तो बच्चों आपने पाठ को बहुत अच्छे से समझा है। Student, I hope you have understood lesson. So students, आपको homework में 4 to 5 sentences लिखने हैं uses of computer पर। यानी कि आपको एक paragraph लिखना है 4 to 5 sentences का। टॉपिक आपका है यूजेस ऑफ कंप्यूटर। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से करोगे और लिख के लाओगे। डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मीट सून अगेन विद द न्यू टेलीकास्ट। थैंक यू।